प्रिंट का ऑप्शन दबा देते हैं। तो ये हमारा प्रिंट हो गया है, काफी अच्छा कलर प्रिंट होके आया है, आप देख पा रहे होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका डेली टेक ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैनन पिक्सिमा 3012 इंक टैंक प्रिंटर के बारे में। दोस्तों ये एक वाईफाई इंक टैंक प्रिंटर है, इसमें आप वाईफाई के थ्रू भी अपने फोटोज या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं। और ये इंक टैंक प्रिंटर है, तो आजकल इंक टैंक प्रिंटर काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया है। और इसके साथ मैंने ओपन बॉक्स डिलीवरी ली थी, उसका ऑप्शन मैंने लिया था। तो जो डिलीवरी बॉय था उसने डिलीवरी के टाइम में मुझे ओपन करके दिखाया था कि ये प्रिंटर कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। तो अब हम इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में जानेंगे और इसके साथ क्या क्या सामान हमें मिलता है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने ओपन बॉक्स डिलीवरी ली थी तो इसके अंदर मुझे एक ये यूज़र मैनुअल मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किस तरीके से इसे इंस्टॉल करना है। तो ये एक चीज़ मिलती है इसके साथ में। दूसरा मुझे ये ड्राइवर की सीडी मिलती है इसमें, तो इसके थ्रू आप इस प्रिंटर के ड्राइवर्स को अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद मुझे ये दो केबल मिलते हैं, ये है डेटा केबल और ये है इसकी पावर केबल। इसको रख देते हैं साइड में। दोस्तों ये पूरा इंक बॉटल का सेट है जो मुझे मिला है इसके साथ में। ये दो ब्लैक इंक मुझे फ्री मिली हैं इसके साथ में, ये इसके कार्ट्रिज हैं। और इसके साथ ये जो कलर इंक मिलती हैं येलो, मैजेंटा और साइन, और उसके साथ में एक ब्लैक इंक मिलती है। टोटल नॉर्मली अगर आप दूसरा कोई प्रिंटर लेंगे कैनन पिक्सिमा 3012 के अलावा तो शायद आपको ये दो ब्लैक इंक ना मिले, बट ये क्योंकि ऑफर चल रहा था तो इसीलिए दो ब्लैक इंक मुझे एक्स्ट्रा फ्री में मिली हैं इसके साथ में। तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ। तो दोस्तों ये है फाइनली हमारा प्रिंटर, तो इसमें काफी सारा टेप लगा हुआ है तो मैं इसे निकाल देता हूँ सारे टेप। तो दोस्तों हमें इसके साथ में ये जो इंक हमें मिली है, हमें इसे सबसे पहले इस प्रिंटर में हमें इसे फिल करना है, तो मैं इसे फिल कर देता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे कलर्ड इंक फिल करनी है तीनों में, और यहाँ पे ब्लैक इंक फिल करनी है। तो मैं सबसे पहले ब्लैक इंक फिल कर देता हूँ। इस कैप को हटाकर आपको यहाँ पे इंक फिल करनी है, ये देखिए रबर की कैप है, इसे हटाना है और उसके बाद यहाँ पे इंक फिल करनी है। तो इस तरीके से हमें ये ब्लैक इंक फिल करनी है। ध्यान दीजिएगा ब्लैक इंक फिल करने के बाद ये जो ढक्कन है इसे हमें अच्छे से लगाना है, इसे टेढ़ा मत लगाइएगा जैसे कि यहाँ सिंबल बना हुआ है आप देख रहे हैं यहाँ, तो इसे अच्छे से बैठा दीजिए और उसके बाद इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ब्लैक इंक भर दी है, अब उसके बाद हमें यहाँ पे ये कलर्ड इंक डालनी है साइन, मैजेंटा और येलो। तो ये हमें ध्यान देना है कि हम उसी हिसाब से डालें, गलत इंक मत डाल दीजिएगा इसमें। तो इसे ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले मैं जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है साइन, तो मैं साइन ओपन करता हूँ। बॉटल को बीच में थोड़ा प्रेस करना पड़ता है ताकि इंक थोड़ा जल्दी जाए, अदरवाइज बहुत टाइम लेगी इंक जाने में। उसके बाद अच्छे से इसके ढक्कन बंद कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा वही ढक्कन खुलिएगा जिसमें इंक आपको डालनी है, अदरवाइज कहीं गलती से दूसरे सेक्शन में इंक ना डाल दें आप, आपको डालना है यहाँ पे, आप कहीं यहाँ ना डाल दें, इसीलिए सारे ढक्कन एक साथ मत खोलिएगा। जिस टैंक में आपको इंक डालनी है उसी में उसी का ढक्कन ओपन कीजिएगा। ढक्कन अच्छे से देखिए, ढक्कन अच्छे से बंद कर दीजिएगा, उसके बाद इसे बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये इंक डालने के बाद अब हमें कार्ट्रिज इंस्टॉल करना है यहाँ पे। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले ये देख रहे हैं आप, इसे प्रेस करना है हमें, प्रेस करके ऊपर की तरफ उठाना है और यहाँ पे हमें कार्ट्रिज इंस्टॉल करने हैं। यहाँ पे हमें कलर कार्ट्रिज जहाँ पे सी लिखा है वहाँ पे कलर्ड कार्ट्रिज इंस्टॉल करना है, जहाँ पे बी लिखा है वहाँ पे ब्लैक कार्ट्रिज इंस्टॉल करना है। तो ये देखिए हमें दो इस तरीके के कार्ट्रिज मिले हैं, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ बी लिखा हुआ है और यहाँ पे
सी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं सी ओपन करता हूं, इसे निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसमें भी टेप लगा हुआ है, उसे हमें निकालना है। ये टेप निकाल लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टच नहीं करना है और नीचे टच नहीं करना है। तो इसे टेप निकाल लेता हूँ मैं, और उसके बाद इसे भी निकालना है सी, और इसे हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है कार्ट्रिज को। सिंपली इसे यहाँ ले जाकर रख देना है, ये सिंपली हमने यहाँ पे रख दिया है। इसी तरीके से ब्लैक वाले को भी इंस्टॉल करना है, उसके बाद इसे बंद कर देना है। बंद करने के लिए सिंपली इसे प्रेस करके नीचे लाके इस तरीके से बंद हो गया ये हमारा, और हमें इसे लॉक कर देना है, कार्ट्रिज को लॉक कर देना है ऐसे। इसे एक बार प्रेस करना है और इसे हमें एक बार प्रेस करना है, उसके बाद ये ढक्कन हमें बंद कर देना है। दोस्तों बंद करने के बाद अब हमें इस प्रिंटर को पावर सप्लाई देनी है। अभी डेटा केबल मत लगाइएगा, अभी सिर्फ हमें पावर सप्लाई देनी है। तो ये हमारी पावर सप्लाई वाली कॉर्ड है, इसे हमें लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये पावर सप्लाई का पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे हमें लगाना है। पावर सप्लाई में लगा दिया है मैंने इसे, उसके बाद हमें ये पावर बटन जो है इसे प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पे ये लाइट ब्लिंक हो रही है, अब हमें थोड़ी देर वेट करना है। देखिए यहाँ पे ये इंक का साइन बन के आ गया है और जीरो लिखा हुआ है, तो मतलब अब ये आगे हमें इसे सेटअप करना है। इतना होने के बाद में आपको ये ब्लैक वाला बटन दबाना है 2-3 सेकेंड के लिए। देखिए इंक हमारी फ्लो हो रही है, ये आप देख रहे हैं इंक फ्लो हो रही है इसमें। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस तरीके का हमारा फ्लैशिंग आ रहा है, ये वाईफाई का सिंबल फ्लैश हो रहा है और ये इक्वल टू का सिंबल, मतलब इक्वल टू के जैसे ही सिंबल है वो फ्लैश हो रहा है। तो हमारा सेटअप अब पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमें इसे हमें प्रिंट करके देखते हैं। तो मोबाइल से प्रिंट लेने के लिए सबसे पहले मैं अपने प्रिंटर में पेपर इंसर्ट कर देते हैं, और ये आउटपुट ट्रे है, इसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों इसमें आप A4 साइज के पेपर डाल सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पेपर साइज के लिए दिया हुआ है, तो इसे आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो A4 साइज के हिसाब से इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। पेपर डालने के बाद अब चलते हैं मोबाइल में। मोबाइल में मैं आपको बताता हूँ कैसे इसे प्रिंट लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर कैनन प्रिंट ऐप डाउनलोड कर लेनी है, CANON प्रिंट PR, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कैनन प्रिंट ऐप जो है इसे इंस्टॉल कर लेना है। हमें वाईफाई से इस प्रिंटर को कनेक्ट करना है, तो आप अपने वाईफाई में जाइए। वाईफाई में जाने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे आ रहा है कैनन 01217G3010 सीरीज। ये देखिए कैनन का जो ये G3010 सीरीज है, ये हमारा प्रिंटर है। तो इस पे क्लिक करके पहले यहाँ पे वाईफाई पे कनेक्ट कर लेना है, तो इसे क्लिक करता हूँ मैं। तो दोस्तों वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद हमें ये कैनन प्रिंट ऐप ओपन कर लेनी है, तो इसे ओपन कर लेता हूँ मैं। और जैसे कि हमने वो वाईफाई से कनेक्ट किया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मैसेज आ रहा है सेटअप Wi-Fi for the following printer। तो जिस Wi-Fi से हमने कनेक्ट किया था वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ में ओके कर देना है। ओके करने के बाद अगर आपका घर पे कोई Wi-Fi राउटर है तो यहाँ पे उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरा Wi-Fi राउटर है, मैं उस राउटर का पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ये Wi-Fi से कनेक्ट हो रहा है मेरे घर के Wi-Fi से, घर पे मेरे राउटर है तो उससे ये कनेक्ट हो रहा है। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, इसे कैंसिल कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमारा प्रिंटर सेटअप हो चुका है। मुझे इमेजेस प्रिंट नहीं करने हैं, मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने हैं, तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। ओके तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट लेना है तो सिंपली डॉक्यूमेंट प्रिंट में जाइए। डॉक्यूमेंट कहाँ पे है, अगर आपके मोबाइल में है तो मोबाइल से प्रिंट ले लीजिए, अगर क्लाउड में है जैसे गूगल ड्राइव या और कहीं तो गूगल ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए क्लाउड सर्विसेज में। ये देखिए ये सारी क्लाउड सर्विसेज आपके आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल मोबाइल से प्रिंट करता हूँ, मोबाइल स्मार्टफोन में कोई डॉक्यूमेंट है मैं उसे प्रिंट कर लेता हूँ।
जैसे ये एक बिल है मेरा, तो इसे मैं प्रिंट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें नेक्स्ट दबाना है। द फॉलोइंग पेपर इज सिलेक्टेड, डू यू वॉन्ट टू चेक डाउन, यहाँ नो कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे A4 साइज पेपर डाला है और मोड मैं इसको अभी ब्लैक एंड व्हाइट ही कर देता हूँ, कलर मोड अभी रहने देता हूँ, मोनोक्रोम कर देता हूँ। और मीडिया टाइप है मेरा प्लेन पेपर है, प्रिंट दबाता हूँ मैं। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया है। अगर आपके घर पे राउटर नहीं है तो आप कैसे प्रिंट लेंगे? आपको अपना वाईफाई ऑन करना है। वाईफाई ऑन करने के बाद आपको ये जो प्रिंटर है इसके वाईफाई से कनेक्ट करना है आपका मोबाइल। मेरा 3010 सीरीज है, इससे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के बाद ये पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपका जो सीरियल नंबर है इस प्रिंटर का वो आपका पासवर्ड है। ये इसके पीछे लिखा हुआ है, आप जाके उसे देख सकते हैं, या फिर इसका जो डब्बा है उस पर भी लिखा हुआ है। तो मैं इसका पासवर्ड डाल देता हूँ, सीरियल नंबर को इसे टिक कर देता हूँ। तो हमारा जो वाईफाई है वो हमारा प्रिंटर से वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो गया है। अब इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और अपने फाइल मैनेजर में जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट उसे ओपन कर लीजिए, पीडीएफ है तो पीडीएफ या जो भी कोई डॉक्यूमेंट है, और यहाँ पे जो भी तीन डॉट बने हैं इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, आप देख रहे हैं प्रिंट का ऑप्शन, तो प्रिंट दबाइए, ओके कीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर आपको सेलेक्ट करना है। प्रिंटर देखिए जिस वाईफाई से आपने कनेक्ट किया है तो प्रिंटर आपको दिखाएगा, तो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे कितनी कॉपीज निकालनी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, वो दोनों आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको कलर प्रिंट लेना है या ब्लैक एंड व्हाइट, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट दबा दीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये देखिए मेरा प्रिंट हो गया है। मैं कलर प्रिंट एक लेके देखता हूँ, एक कलर फोटो में सेलेक्ट कर लेता हूँ, गणेश जी की फोटो है। तो इसे प्रिंट लेने के लिए फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ये तीन डॉट में जाइए या फिर शेयर एज में जाइए, शेयर एज में कैनन प्रिंट सेलेक्ट कर लीजिए। डू यू वॉन्ट टू यूज द फॉलोइंग प्रिंटर सीरीज, इसे यस कर दीजिए। उसके बाद ये हमारा इमेज है, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रिंट सेटिंग में चले जाते हैं, पेपर साइज हमारा A4 है, A4 सेलेक्ट कर लेते हैं, और पेपर हमारा प्लेन पेपर है, कलर मोड कलर है, प्रिंट का ऑप्शन दबा देते हैं। तो ये हमारा देखिए प्रिंट हमारा हो रहा है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा प्रिंट हो गया है, काफी अच्छा कलर प्रिंट होके आया है, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल हो इस प्रिंटर को लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस में लाता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।